शहीद राकेश के परिजन एएसपी से मिले, कहा हमें इंसाफ दिला दीजिए एएसपी साहब। बिहार के भोजपुर जिले के बढ़हरा प्रखंड अंतर्गत कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के पद्मिनिया गांव निवासी परमेश्वर यादव के पुत्र राकेश कुमार, जो एसएसबी के जवान अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत थे, जिन्हें की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं शहीद राकेश कुमार के बड़े भाई ने बताया कि मृतक अपने डिपार्टमेंट में मेस इंचार्ज थे और मेरा भाई झगड़ालू नहीं था क्योंकि हम उनके साथ बचपन बिताए हैं। वहीं गुरुवार को मृतक के परिजन एएसपी हिमांशु से मिले और अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए बातें कही। सुन लीजिए शहीद राकेश के बड़े भाई ने क्या कुछ कहा है। हम लोग की मांग है तो मेरा भाई तो चला गया है, हमारा मांग यही है कि हमारे भाई के साथ जो हुआ है वो घटना से हम लोग वहाँ के डिपार्टमेंट बता रहे हैं, हम लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। घटना सही रूप में क्या है, कौन कौन किया है उस घटना को, सही रूप से उस घटना का आए सामने आए रिपोर्ट कैसे हुआ, कौन कौन उसमें संलिप्त है। भोजपुर पुलिस पर कितना भरोसा है आपको? भोजपुर पुलिस पर हमको पूरा भरोसा है, हमारे परिवार को भरोसा है कि भोजपुर पुलिस हम लोगों के साथ न्याय के लिए लगी हुई है। आज हमको एएसपी साहब ये भी बोले कि आप एक लेटर लिखकर बनाकर दीजिए, हम फॉरवर्ड करते हैं एसएसबी आईजी के पास और जितना हो सकता है हम तेजस्वी से भी मिलने आप लोग पहुँचे थे। तेजस्वी जी से भी हम लोग मिले थे, तेजस्वी जी से मिले हम लोग, तेजस्वी जी भी बोले कि हम आएंगे, भी आने का वादा किए हैं, उम्मीद है कि आएंगे बहुत जल्द हम लोग भोजपुर में। आकर बोले कि जितना हो सकता है ऊपर लेवल से हम इसको जांच करवाएंगे क्योंकि कैसे घटना हुआ है कोई संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। एक तो खंजर लगने से मौत नहीं हो सकता, मेरा भाई जो था कभी झगड़ालू नहीं था। हम बोले कि कोई भी भारत माँ के सेवा करने के लिए लोग जाता है यहाँ से। बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। बढ़ते बिजली दर को लेकर लोजपा रामविलास पार्टी का हुआ एक दिवसीय धरना। बिहार में बढ़ रही बिजली दर तथा बिजली विभाग द्वारा 30% और बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव, स्मार्ट मीटर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के खिलाफ भोजपुर लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान के नेतृत्व में जिला समाहरणालय जेपी स्मारक के पास बिहार सरकार के खिलाफ धरना दिया गया। धरना में जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने बताया कि हमारी पार्टी बिहार में बढ़ रही बिजली दर के खिलाफ है। पार्टी पूरे बिहार में किसी घटना पर अनजान बनने वाले मुख्यमंत्री के लिए कहा कि महाधरना के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं कि बिहार में ही इतनी महंगी बिजली क्यों, दूसरी तरफ बिजली दर में 30% की कमी करें, बीपीएल परिवारों को प्रत्येक महीने 150 यूनिट फ्री बिजली दें तथा स्मार्ट मीटर में सुधार करें, अन्यथा पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे। गरीब परिवार के घर में एक या दो बल्ब जलता है और वहां हजारों रुपए का बिल कैसे आता है। पार्टी ने अपनी मांग संबंधी ज्ञापन जिला पदाधिकारी को सौंपकर बिजली बिल दर में 30% की कमी करने, गरीब परिवार को 150 यूनिट मुफ्त बिजली, स्मार्ट मीटर में सुधार करने की मांग है। बढ़ते हैं तीसरे खबर की ओर। गाली गलौज को लेकर पंचायत समिति सदस्यों ने सदर प्रखंड परिसर में जेई का फूका पुतला। आरा सदर प्रखंड पंचायत समिति सदस्य जनार्दन गोंड पंचायत भाकुरा क्षेत्र संख्या 22 के निवासी के साथ जेई गुप्त कुमार के द्वारा जान से मारने, गाली गलौज, जाति सूचक शब्द के प्रयोग से नाराज होकर सभी पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड परिसर में बीपीआरओ के समक्ष जेई का पुतला दहन किया। पंचायत समिति सदस्य ने कहा कि मैं सदर प्रखंड में पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय में कुछ काम से गया था, जहां पहले से मौजूद जेई गुप्त कुमार ने मुझे गाली गलौज तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उनके दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार से नाराज सभी पंचायत समिति सदस्यों ने पुतला दहन किया है। जनार्दन गोंड के द्वारा SC ST थाने में मामला दर्ज कराने के आवेदन भी दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ SC ST थाना अध्यक्ष प्रियंका कुमारी गुप्ता ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य जनार्दन गोंड द्वारा जेई के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। मामले की जांच कर सही पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। आरा में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया का हुआ विशाल प्रदर्शन। कहा 2 साल में 2 साड़ी और 10,000 वेतन, 2 हाथों में कलछुल, छनवटा लेकर की नारेबाजी। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट के तत्वाधान में आज प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत प्राथमिक व मध्य विद्यालय में कार्य कर रहे रसोईया का एक दिवसीय विशाल महाधरना प्रदर्शन की शुरुआत आरा के समाहरणालय से जुलूस निकालकर किया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर सैकड़ों की संख्या में रसोइयों ने जमकर नारेबाजी की। रसोइयों में शासन प्रशासन के प्रति काफी आक्रोश देखा गया है। जुलूस के दौरान रसोइयों के हाथों में छोलनी, छनवटा, कलछुल व खाना बनाने वाले बर्तन लेकर प्रदर्शन किए गए। रसोइयों ने 1-2 हजार में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं, रसोइयों का मानदेय 12 माह का लागू करो, रसोईया भाई बहनों का न्यूनतम मजदूरी लागू करें, इस तरह की जमकर नारेबाजियां की। इधर आंदोलनकारी रसोईया संजू देवी ने कहा कि 2 साल में 2 साड़ी और 12 माह वेतन में
10,000 रिटायरमेंट के बाद पेंशन, 4,00,000 की बीमा की मांग है। संजू ने कहा कि स्कूल के टीचर के द्वारा कहा जाता है कि 9 बजे सुबह आइए और 4 बजे जाइए, नहीं तो पेमेंट नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं 5वीं खबर की ओर। आरा में ट्रेन से गिर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की मौत, मौसी की बेटी की शादी में गांव आ रहे थे, पूर्वा एक्सप्रेस से गिरे। बिहार के दानापुर PDDU रेलखंड पर आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गुरुवार की सुबह पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। इलाज के दौरान सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना को लेकर लोगों के बीच अफरा तफरी का आलम रहा। मृतक आयर थाना क्षेत्र के बलियाव गांव वार्ड नंबर 5 निवासी स्वर्गीय शीतल शाह के 52 वर्षीय पुत्र पारस शाह हैं। वापी के सिक्योरिटी गार्ड थे और वर्तमान में दिल्ली के आजाद नगर में रहकर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। इधर मृतक के बेटे जयप्रकाश ने बताया कि उसकी मौसी की लड़की की शादी थी, 24 फरवरी को तिलक और 28 को बारात है। उसी शादी में शामिल होने के लिए वो बुधवार की शाम पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली से आरा लौट रहे थे। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।